ये वीडियो एक मजाक है, इसे मजाक की तरह लेना, दिल दिमाग फेफड़े कहीं मत लेना। जैसे ये लोग नहीं बता पाए कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है, वैसे ये लोग ये भी नहीं बता पाए कि पोर्टल की शादी कभी होगी भी कि नहीं। इनके पहले वाले एपिसोड बहुत अच्छा हुआ करते थे, जिनमें हाथ था पुराने लोगों का। पहले टप्पू को बदल दिया, ठीक है, राज भी सही है। अंजलि को कर दिया, ठीक है, हमने कुछ नहीं कहा। ये सोडी का कौन सा मॉडल उठा के लिया है, सोडी लाइट। मस्त जोक मारा रे। सोनू का तो पूछो मत, हर 3 साल में बेचारी प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ जाती है। और बावरी तो पिछले साल से ही गायब है। और दया तो समझो मरी गई, 3 साल से लीव है, पर उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि पता है ना, वो उसको रिप्लेस कर दिया तो शो गया। अब आते हैं जेठालाल पर। तो भाई ये अलग ही बंदा है, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है और नट्टू काकू को डांटता है, बबीता जी को ताकता है और गोली को मारता है, और भीड़े और एयर से लड़ता है, बट वो तो बेस्ट है। आई फील सैड फॉर दिस गाय। तो उसकी बीवी पर जेठालाल रोज लाइन मारता है, और जब भी इसको अपनी बीवी के साथ बाहर जाने का मौका मिलता है, ये शो वाले उसको वो भी नहीं करने देते। बेचारा डिज्नीलैंड जा रहा था, उस टाइम भी इसको एक फालतू से रीजन के लिए रोक लिया, और फिर सिंगापुर जा रहा था तब भी यही सेम। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मतलब दुनिया भर को ले जाने के पैसे हैं, बट अय्यर को नहीं। बाबा ये बात तो गलत नहीं है भाई, यहाँ पर होता है बस गरबा। जैसे टी सीरीज वालों को कोई रीजन नहीं चाहिए रीमिक्स बनाने का, ऐसे दया को कोई रीजन नहीं चाहिए गरबा खेलने का। अब चाहे वो हांगकांग क्यों ना हो भाई, चलो इन्होंने कैरेक्टर्स चेंज किए कोई बात नहीं, बट इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स तो कास्ट ही नहीं करे, जैसे पिंकू के मम्मी पापा। ओके ओके, कास्ट कर दिया, मैं भूल गई, सॉरी। ये क्या बात करता है यार। जैसे दया की माँ, वो तो है ही नहीं भाई, एंड 3-4 साल से खुद दया भाई। अब तो टप्पू सेना की भी शादी हो रही है, बट बेचारा पोपटलाल भाई, राइटर साहब आप कर क्या रहे हो। 12 साल हो गए, ये बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादी हो रही है और पोपटलाल। वैसे नहीं, राइटर ने कोशिश तो बहुत की है, बट पोपटलाल की किस्मत कभी उसे गुंडों की बेटी रिजेक्ट कर देती है, कभी भूतनी रिजेक्ट कर देती है, कभी लड़की मानती है तो बस सलमान खान से पिक्चर लेने के लिए, तो कभी लड़की पार्किंग लॉट के चक्कर में भाग जाती है, तो कभी लड़की वो लड़का निकलती है भाई, कभी कुछ तो कभी कुछ भाई। टप्पू सेना से मुझे एक सवाल है, कौन अपने दोस्तों को फ्रेंड्स करके बुलाता है। कौन भाभी तो एपिक, वो बिना फ्रंट कैमरा के फोन से वीडियो कॉलिंग कर रही है, इंप्रेसिव। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। भाई आजकल के एपिसोड में कॉमेडी को छोड़कर सब कुछ है, पहले मैं खुद भी इसके रिपीटेडली कास्ट 10-12 बार देख लेती थी, बट अब नहीं। बट पहले सोशल मैसेज और कॉमेडी दोनों करते थे, बट अब तो बस सोशल मैसेज है, जो अच्छी बात है, बट कॉमेडी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट यार। बाबा ये बात तो गलत नहीं। चलो बाकियों का फिर भी रोल है, अय्यर और भीड़े जेठालाल से लड़ते हुए पाए जाते हैं, सोडी पार्टी शार्टी करते हुए, हाथी खाते हुए, और मेहता वो क्या करता है। अरे हाँ, वो भी कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, बाकी तो वैसे भी लास्ट में आके 20 सेकंड की स्पीच देके जाता है, तो वो भी दिखाई देता है। अब रही बात अब्दुल की, उसको तो पूछो मत, बेचारे को कोई बेवकूफ बना जाता है, बेचारा सबके काम करता है बट ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है, सिक्योरिटी भी वही करता है, रोज रोज पानी भी वही भरता है, कोई आता है तो एड्रेस भी वही बताता है, बट कितना बोला है इसको कोई बेवकूफ बना जाता है। एक बार बताओ, ये जो भीड़े मेंटेनेंस लेता है वो जाता कहाँ है, क्योंकि हर फंक्शन के बाद पहले तो ये यही बोलता है कि पैसा नहीं है, और फिर भी टप्पू सेना सारे फंक्शन कर देती है। मुझे टप्पू सेना इतनी सी उम्र से फंक्शन करती आ रही है, कोई सेंस है इस बात का। ये शो का सबसे बड़ा डाउनफॉल है इनके प्रेडिक्टेबल एपिसोड्स, देखते ही पता चल जाता है कि लास्ट में क्या होने वाला है। अच्छा, ये लोग इतने वेले कि रोज सोडा शॉप पे जाके गप्पे लड़ाते हैं, और भाई इतनी सोडा कौन पीता है रोज, वो भी 2-3 ग्लास। ये रहे क्या साइंटिस्ट है, कभी 11th क्लास के बच्चों की तरह एक केमिकल रिएक्शन करता है, कभी एलियन से बात करता है, नहीं कैसा कैसे कर लेते हो भाई साहब, और कभी वैक्सीन बनाते हुए। ये क्या बात करता है यार। भीड़े का जमाना
पोपट की शादी और दया की माँ। अभी तो डेज भी कहाँ, पर इसे कोई पता चलेगा या नहीं, ये नहीं पता किसी को भी। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। So guys, that's all today. I hope you're watching this video. मैं भी शो बहुत देखती थी, अभी भी देखती हूँ, बट आजकल शो अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा बना देते हैं वीडियो। देखो यार, मैं हेट नहीं करती शो को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शो से, मेरे को कंटेंट नहीं मिल रहा था तो मैंने इस पर बना दिया, ज़्यादा सच भूल दिया। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन एंड शेयर इट। एंड हाँ, मैं पहले ही बोल दूँ कि मेरे को शो पसंद था, मैं हेट नहीं करती ना कैरेक्टर्स को, ना शो को, ना व्यूअर्स को, तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं था। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।